रुको रुको हेलो नमस्ते वनकम होला मरहबा अस्सलाम वालेकुम दिस इज योर मोहम्मद रफी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीघू मक्कड़। तो भैया सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज का वीडियो जो होने वाला है ये बेसिकली अपने नॉर्मल व्लॉग जैसा तो कुछ नहीं है, बिकॉज आज के वीडियो में ना एक छोटा सा अनाउंसमेंट हम लोग करेंगे। तो दरअसल बात यह है कि हम लोगों ने अपना एक कंपनी का स्टार्ट किया था जो कि है फोटोग्राफी एंड फिल्म्स के रिगार्डिंग, एंड यहाँ पे इसमें बस दो ही टीम मेंबर हैं, मैं और अपना भाई। यहाँ पे भाई अपना फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वगैरह सब करता है और मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं बस लाइट पकड़ने के लिए जाता हूँ। तो उसी दिन जब हमने अपना पहला काम पकड़ा था उस दिन भी मेरा ड्यूटी यही था, मैं बस जाकर लाइट पकड़ रहा था क्योंकि कैमरा पकड़ने का मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो अब ज़रा सा हम आपको अपने कंपनी के बारे में बताते हैं। हमारे कंपनी का नाम है शुभारंभ फोटोग्राफी एंड फिल्म्स, जहाँ पे हम फोटोग्राफी एंड फिल्म्स के रिगार्डिंग जो कुछ भी काम होगा वो सब कुछ करेंगे, मतलब चाहे वो वेडिंग हो, चाहे वो प्रोफेशनल फोटोग्राफी हो, प्रोफेशनल वीडियोग्राफी हो, कोई भी इवेंट मैनेजमेंट का काम हो, हर एक काम हमारे कंपनी में आपको मिलेगा। तो आज के वीडियो को बनाने का मकसद हमारा बिजनेस को प्रमोट करना बिल्कुल नहीं था, बस एक छोटा सा चीज़ आपको दिखाना था कि हमने सोचा था अपने बिजनेस का पहला जो भी प्रोजेक्ट आएगा उसमें से जो भी हम लोग अर्न करेंगे उसको स्पेंड करेंगे कुछ अच्छे कॉज में। तो एज वी गॉट आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट तो हमें वहाँ पे उम्मीद था कि थोड़ा बहुत हम लोग अर्न करेंगे, बट सच बताऊँ तो पहला प्रोजेक्ट था तो वहाँ से जितना उम्मीद था उतना तो हम कमाए नहीं थे, सब कुछ मिला मुला के इतना हमने बचाया था, क्योंकि जो पहला प्रोजेक्ट था इसमें कस्टमर को कंसेशन देने के चक्कर में हमने बहुत ही लो मार्जिन में निकाला है काम, मतलब ऐसा है कि अपने पॉकेट से काम देके कराना पड़ा है। तो उसमें लाइटिंग का खर्चा अलग, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अलग, वो हमने पकड़ा नहीं था, बाद में पता चला कि सब खर्चा वर्चा मिला के अपने पॉकेट में बस इतना ही बचा था। बट इतना पैसा हम लोग कमाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने सोचा था वो नहीं करेंगे, आफ्टरऑल काम था कि पहला प्रोजेक्ट आएगा तो उसके रिगार्डिंग कुछ अच्छा तो करेंगे। तो हमने जितना प्लान किया था उतना डेफिनेटली किए हैं। अब बाकी का जो भी कहानी है हम आपको व्लॉग में दिखाते हैं सीधा, चलो वहाँ पे कंटिन्यू। अकॉर्डिंग टू आवर प्लान सबसे पहले जो करना था वो था प्रोग्राम के, मतलब जिस दिन हमने डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचा था उसके पहले वाले दिन जाके, मतलब रात को सारे सब्जी वगैरह जो भी खरीदना था खाना बनाने के लिए वो हमने खरीद लिया था। तो हम लोग जा पहुँचे थे मामड़ा बाज़ार, एंड वहाँ से जो भी सारे बेसिक चीज़ें थे, मतलब आप सब्जियाँ ले लो या फिर पैकेजिंग के लिए अपनी पैकेट वगैरह ले लो या फिर दाल वगैरह जो चाहिए या प्याज वगैरह, सब कुछ हमने खरीद लिया था। और घर आके सबसे पहले प्रिपरेशन किया था क्योंकि दाल सबको भिगोना होता है ओवरनाइट, तो हमने इसको भिगा दिया था। एंड बाकी का वीडियो आपको ASMR टाइप का दिखेगा तो उसको थोड़ा एंजॉय करें, एंड बाद में आपसे बात करते हैं। One eternity later. ये देखो दोस्तों पैसा। तो अपना जो फर्स्ट डिश है वो तो बिल्कुल तैयार है, मतलब दाल तड़का जो है वो रेडी हो चुका है। इसको बस क्या करना है, इस तड़के को दाल के अंदर डाल के अच्छे से उबाल देना है, और उसके बाद हम लोग निकल चुके थे दाल को रेडी करके मिठाई और रोटी वगैरह लाने के लिए, क्योंकि हमने पहले तो प्लान किया था कि रोटी हम लोग घर में ही बनाएंगे पर लार्ज वॉल्यूम में बनने वाला था, तो इसमें मेरा कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो मैंने बोला चलो भाई आई एम आउट ऑफ इट, अब सीधा सीधा बाहर से खरीद के हम लोग पैक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फटाफट रोटियां लेके हम घर आ चुके थे और घर आके ऐसे ही पैकेजिंग करने के लिए लग गए। एंड पहली बारी मैं ऐसे पैकेट कर रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि रोलिंग वगैरह में मेरे को टाइम लगता है हर एक चीज़ में, ऐसे भाई एल्युमिनियम फॉइल वगैरह होता है तो झटपट झटपट हो जाता है। तो देखते 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 10-15 मिनट में हम सब मिलके अच्छे से सारे पैकेजिंग वगैरह कर लिए थे और ऐसे बिल्कुल सब कुछ तैयार था निकलने के लिए घर से,
और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट काम था कि हमें सारा चीज़ जो है वो बैग में भरना था, तो बैग में हमने भर लिया था एंड भर के हम लोग निकल चुके थे अपने रास्ते। एंड एक्चुअली दिस इज़ द वे टू सेलिब्रेट। एक्चुअली हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेशन करते हैं, मतलब कोई भी अच्छा काम होता है ना तो उसमें ऐसे कुछ अच्छा करो तो हो जाता है सेलिब्रेशन। बाकी तो देखो कहीं पे भी जाके पार्टी कर ले ये वो सब तो बेकार है। मतलब कोई अच्छी चीज़ में अब अच्छे लोगों के साथ बिताओ, अच्छा काम करो तो बढ़िया लगता है। एंड दिस इज़ आवर काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। हम लोग वो दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ते कि चलो यहाँ पे पार्टी करने के लिए गए, ये करे वो करे, वो सब पसंद भी नहीं है। तो ऐसे ही बात करते करते हम दोनों ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं दुर्गापुर बाज़ार, क्योंकि हमने पहले टारगेट किया था कि दुर्गापुर बाज़ार ही आएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं ऐसे, तो यहाँ पे पहुँचते ही जो अपना भाई है अपने काम पे लग गया है। मैं बाइक पे बैठा रहा चुपचाप बैग लेके, और अपना भाई जो है इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करने लग गया। और इसी बीच में कुछ बच्चे और कुछ मतलब लोग आए मेरे पास, तो मैंने भी हाथ लगा दिया काम में। अपना भाई कितना ही काम करे अकेला। और ऐसे ही देखते देखते हमारा जो पूरा प्रोग्राम था सेट वो हमने ख़त्म कर लिया था। एंड अब बारी थी घर जाने की, तो पूरा काम ख़त्म करके हम बढ़िया से अब आराम आराम से। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। मतलब इतना ही था, इससे ज़्यादा क्या ही दिखाया। मतलब दिस वाज ऑल आवर काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। कुछ अच्छा होता है तो भाई हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। एंड आप लोगों में से किसी को अगर हमारा साथ देना है तो यू कैन ईजिली ज्वाइन अस। आप हमारे साथ देख रह के देख सकते हैं कि ऐसे कामों में कितना अच्छा लगता है। एंड अगर वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी करना है करो भाई, एकदम सब्सक्राइबर बटन को तोड़ डालो, बेल आइकन जो दिख रहा है उसको भी भाई तोड़ डालो, जो करना करो। मतलब जितना सपोर्ट करना है सपोर्ट कर लो भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।